आज मैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, तो देखते हैं। लगभग 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछता है हमारा। देखिए, 2011 और 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, इतने मतलब लगभग हर साल हमारा ये क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो हमारा 25 वाट पूछ रहा है, तो 25 वाट दे गया है, तो पहले हमें ये पावर दिया है हमें एक की, और टोटल पावर पहले निकाल लेते हैं। तो फार्मूला हमारा एक होता है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हमारा। देखिए, वोल्ट 250 दिया, मतलब V बराबर हमारा दिया है 250 वोल्ट, ठीक। और धारा दिया है I बराबर हमारा दिया है 5 एम्पियर, ठीक। निकालना है क्या हमें पावर, पावर टोटल निकाल लेंगे, मतलब पावर हमें निकालना है, ठीक। टोटल जब निकालेंगे, टोटल से जब ये वाली भाग देंगे तो जितना आएगा उतना उतने हमारे बल्ब जल सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं P बराबर फार्मूला था VI, ठीक। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, फिर लिखते हैं V का मान कितना है हमारा, 250 इंटू में हमारा 5 है, ठीक। अब मान लीजिए ये हमारा आ गया पावर, ठीक, ये हमारा आ गया। इसको मल्टीप्लाई रहने दिए करने, ठीक। अभी डिवाइड होगा ना, अभी हम टोटल पावर निकल गई। अब टोटल पावर से जो ये हमारी एक की दी, इसको भाग देंगे तो हमारी बल्ब की संख्या निकलेगी, मतलब कितने बल्ब। तो लिख लेते हैं, हेडिंग बनाते हैं बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, ठीक। और ऊपर टोटल पावर रहेगी, तो हमारी कितनी है 250 इंटू में 5, और नीचे एक की, तो एक की हमारी 25 है। अब 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, और ये 0 हमारा होता जाएगा, इंटू में 5 है, अब हमारा पूरा 50 हो जाएगा। तो बल्बों की संख्या बराबर हमारी 50 आएगी, मतलब 50 बल्ब जला सकते हैं, ठीक। ये हमारा आंसर होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।